पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं कोड की, वायरल कोड। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है तो इट इज मेनली कंपोज ऑफ, क्योंकि देखो एनवेलप तो कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा ना, सब में नहीं होगा, बट कैप्सिड सब में होगी, तो मेनली कंपोज ऑफ वायरल कैप्सिड। तो आमतौर पे किसकी बनी हुई होती है, एक स्ट्रक्चर की, जिसको बोलते हैं वायरल कैप्सिड। अच्छा, जब वायरल कैप्सिड को मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है वायरल कैप्सिड बेसिकली क्या है, ये छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स हैं और वो प्रोटीन के यूनिट्स बार बार रिपीट होकर अपने आप को अरेंज करते हैं, और जब उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो जाती है तो उसी अरेंजमेंट को हम कैप्सिड का नाम दे देते हैं। क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। तो मेड अप ऑफ, यानी कैप्सिड की बात हम कर रहे हैं, तो मैं कैप्सिड लिख दूँ ताकि कन्फ्यूजन अभी ख़त्म हो जाए। तो वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, उनको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं, है ना। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो वर्ड है कैप्सोमर, कैप्सोमर याद करो, मैंने बताया था आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मर वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनिट। जैसे हमने कहा था मोनोमर, एक यूनिट, पॉलीमर बहुत सारे यूनिट, है ना। और कैप्सो इज फॉर कैप्सिड, यानी कैप्सिड को बनाने वाले यूनिट, है ना। और ये जो कैप्सोमर हैं ये खुद बहुत सारे अमीनो एसिड से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, भाई प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन हमें पता है किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड। तो कैप्सोमर्स देमसेल्व्स, कैप्सोमर्स देमसेल्व आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि एक वायरस में कितने कैप्सोमर होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है हर वायरस का, यानी नंबर ऑफ कैप्सोमर्स एक वायरस के ग्रुप से दूसरे वायरस के ग्रुप में वेरी करते हैं। यानी एक अगर वायरस है और उसके पास एक पर्टिकुलर नंबर है कैप्सोमर का, फ़र्ज़ करो उसके पास 150 कैप्सोमर है, तो वो 150 कैप्सोमर वाला वायरस जब भी आप देखोगे तो वो वही वायरस होगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी के पास 150 हैं तो किसी के पास 200 होंगे, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास 80 होंगे, किसी के पास 90 होंगे, इस तरह का मामला चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरा ना, तो मैं यहाँ पे इसको, हाँ, स्पेसिफिक नंबर होगा, स्पेसिफिक। ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप इसकी मदद से वायरसेज को क्लासीफाई भी कर सकते हो, तो वायरसेज को नंबर ऑफ कैप्सोमर की बेस पे क्लासीफाई भी किया जा सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं ये, और रेड से लिखूँ ताकि आप याद रखो कि नंबर ऑफ कैप्सोमर इज स्पेसिफिक टू ईच ग्रुप ऑफ वायरस। सो कैन ऑल्सो यूज टू क्लासीफाई वायरसेस। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसकी मदद से वायरसेस को क्लासीफाई भी कर सकते हो, यानी एक वायरस के पास जो कैप्सोमर होंगे वो दूसरे के पास नहीं होंगे। अच्छा, अब अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर को ज़रा समझते हैं, क्योंकि इसी से हमारा मसला हल होगा, ठीक है। अब ज़रा कैप्सोमर की हम अरेंजमेंट देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर। जब हम वायरसेस को देखते हैं तो अब तक जितने भी वायरसेस डिस्कवर्ड हैं उसमें हमें जो कैप्सोमर की अरेंजमेंट है ना, वो सिर्फ दो तरह से मिलती है। कैसे? एक तो हमें मिलती है कि उसमें हमें ट्रायंगल्स मिलते हैं 20, और ये 20 ट्रायंगल किसके बने हुए होते हैं, कैप्सोमर्स के बने हुए होते हैं, इस तरीके से। मैं इसको ना उतना एक्यूरेट बना नहीं सकूंगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर उसके अंदर हम ये जो ट्राइंगल होंगे उनको फिट कर लेंगे।
ठीक है। अब इसमें से एक ट्राइंगल ऐसे होगा, एक ट्राइंगल इसमें ऐसे होगा, एक ट्राइंगल इसमें ऐसे जा रहा होगा, दूसरा ट्राइंगल इसमें ऐसे आ रहा होगा, एक ट्राइंगल इसमें ऐसे जा रहा होगा, फिर इस तरीके से आपको यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आपको कैप्सोमर की अरेंजमेंट ऐसे नज़र आए कि वो 20 ट्राइंगल्स बना रहे हो, कितने ट्राइंगल बना रहे हो, 20 ट्राइंगल्स, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, तो हमें टू टाइप की अरेंजमेंट मिलती है, टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कितने टाइप की अरेंजमेंट मिलती है, दो तरह की। उनमें से जो पहली टाइप की अरेंजमेंट है, जो पहली टाइप की है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोसाहेड्रल। क्या बोलते हैं, इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट। जाओ बाहर चले जाओ, थोड़ी ताज़ा हवा में सांस लेके आओ, जाओ शाबाश। तो पहले जो अरेंजमेंट होती है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो कैप्सोमर्स होंगे, कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन 20 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल में अरेंज होंगे, 20 ट्राइंगल्स में अरेंज होंगे। और ये जो शेप बनाएंगे, या तो वो स्फेरिकल शेप होगी या वो पॉलीहेड्रल शेप होगी। अब जैसे ये शेप है ना, ये वाली शेप, ये पॉलीहेड्रल शेप है। कौन सी शेप है, पॉलीहेड्रल शेप। और स्फेरिकल शेप तो आपको पता है ना, जैसे वो HIV की होती है, जैसे कोरोना वायरस की होती है, तो वो शेप आपको इस तरह से नजर आएगी, इस तरह से, वो इस तरह से नजर आएगी। तो जब भी आपको इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट नजर आएगी, तो आपको कैप्सोमर के कितने ट्राइंगल नजर आएंगे, 20 ट्राइंगल नजर आएंगे, और दे विल फॉर्म इधर, या तो वो पॉलीहेड्रल शेप बना लेंगे, पॉलीहेड्रल शेप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बैक्टीरियोफेज वायरस की, या वो और स्फेरिकल शेप बना लेंगे, स्फेरिकल शेप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल जो कोविड का वायरस है या जो HIV का वायरस है, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट आपको इस तरह से नज़र आएगी। दूसरी अरेंजमेंट कैसे नज़र आएगी आपको, कि जो कैप्सोमर्स होंगे वो एक लंबी ट्यूब बना रहे होंगे, बी हम उसको लिख लेते हैं, रॉड लाइक अरेंजमेंट, रॉड थोड़ा सा आरसे कर लें, रॉड लाइक अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट होगी बेटा, रॉड लाइक अरेंजमेंट। अभी जो रॉड लाइक जो अरेंजमेंट होगी, इसमें क्या होगा, इसमें जो कैप्सोमर्स विल फॉर्म अ हॉलो रॉड। आप चाहो तो पाइप समझ लो, जैसे पाइप होता है ना, पाइप आपने देखा है, बीच में से जो है वो हॉलो होता है, खाली होता है, जहाँ से पानी निकलता है, और उसकी वॉल होती है। तो इसकी जो क्या कहना चाहिए, इसको पाइप लाइक अरेंजमेंट होगी, और ये जो इसके अंदर खाली जगह होगी, वहाँ इसके जनरेटर मटेरियल होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ, जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड। यानी अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये ऐसे बनेगा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड लाइक पाइप लाइक अरेंजमेंट नज़र आएगी, इस तरीके से। और ये जो बीच में सी खाली जगह है, यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, वो इसके अंदर जो है वो मौजूद होगा इस तरह से। और ये जो पूरी पूरी ट्यूब है ना, ये बहुत सारे कैप्सोमर के यूनिट से बनी हुई होगी इस तरीके से। तो इसमें बहुत सारे कैप्सोमर्स के यूनिट होंगे, आगे भी होंगे, उस तरफ भी होंगे, है ना। तो ये बहुत सारे कैप्सोमर्स के यूनिट होंगे जो इसको इस तरीके से बना रहे होंगे। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ कैप्सोमर है वो वेरी करता है फ्रॉम वायरस टू वायरस। तो इस तरीके से ये जो कैप्सोमर होंगे, ये अरेंज हो जाएंगे, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके अंदर दरमियान में क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा।
ठीक हो गया। तो या तो इस तरीके से पैक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे फुटबॉल भी कोई पैक होती है, हवा उसके अंदर भरी हुई होती है ना, या इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे या फिर इस तरीके का हॉलो स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, याद ये रखना है कि यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, अंदर होगा। यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, अंदर होगा। तो कैप्सिड का जो बेसिक काम है वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है। कैप्सिड का बेसिक काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना। ये बात याद रखनी है। तो मैं लिख दूँ उधर, क्या लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो कैप्सिड प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल। तो कैप्सिड का काम क्या है? कैप्सिड का काम है जेनेटिक मटेरियल को, यानी वायरस का जो जीनोम है उसको प्रोटेक्ट करना। अब वो डीएनए हो, आरएनए हो, उसे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये दो तरह के आपको कैप्सोमर के अरेंजमेंट मिलेंगे। या तो आपको एक और हेडल अरेंजमेंट मिलेगी, याद रहे, एक और हेडल अरेंजमेंट में आपको इस तरह से ट्राइंगल मिलेंगे और वो ट्राइंगल हमेशा 20 होंगे, या फिर आपको इस तरीके से रॉड लाइक अरेंजमेंट मिलेगी जहाँ कैप्सोमर बाहर पूरा स्ट्रक्चर बना रहे होंगे और अंदर वो खाली जगह होगी जहाँ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। ठीक है।